जी आज 14 दिसंबर 71, 14 दिसंबर जो ढाका का हालचाल कैसे हुआ हम वो बोल रहा है। शादी का टाइम में वो दिसंबर 8 दिसंबर से 14 दिसंबर हमारा बांग्लादेशी जो कोलैबोरेटर है युद्ध अपराधी पाकिस्तान आर्मी का जो बंधु है अल बदर जमात इस्लामी का अल बदर रजाकार वो लोग दिसंबर 8 दिसंबर से 14 दिसंबर वो लोग बुद्धिजीवी अध्यापक शिल्पी मुक्ति वाहिनी जो है उसको चोक बांध के मुखोश पर के घर से निकल के लिए उसको घूम करना है। ये न्यूज जब हमारा पास आया हम लोग रोड रोड से पोजीशन लेके बैठा है। हमारा कमांडर मेजर हैदर हमको हैंडबिल दिया था हेलीकॉप्टर से मित्र बेरही हेलीकॉप्टर घूरना है और मुक्ति वाहिनी को हैंडबिल दिया स्ट्रीट फाइट होगा नियर जी का साथ पाकिस्तानी आर्मी का सोल्जर का साथ स्ट्रीट वार होगा तुम्हारा रोड में पोजिशन लो हमारा साथ मित्र वाहिनी है तो मित्र वाहिनी आराम जय बांग्ला जय हिंद बोल के पाकिस्तानी पंजाब बेलूस पठान आर्मी के ऊपर अटैक किया तो इसलिए हमारा बांग्लादेश बहुत इंडियन आर्मी हमारा मित्र वाहिनी भी शहीद हो गया। हम लोग आज ही दिन वो लोग को सैल्यूट जाना रहा है। हमारा बांग्लादेश और इंडिया का जो बंधन है ये बंधन नहीं टूटेगा। हम मुक्ति वाहिनी और मित्र वाहिनी मिलकर हमारा बांग्लादेश का ऊपर जो ISI है वो ISI अभी तक इधर षड्यंत्र करना है। इसलिए हमारा दाबी हमारा प्रत्याशा हमारा नतून जेनरेशन ये जेनरेशन जय बांग्ला बोल के पाकिस्तानी ISI पाकिस्तानी पेटाप्ता जमात इस्लामी क्या जो आदमी राजा का राल बोला था अभी तब इस लोग को लेके हम जय बांग्ला बोल के इसको निकल के बाहर कर देंगे। और हम आज के दिन हमारा याद आ रहा है हमारा मित्र वाहिनी सोल्जर वो लोग भी इधर घुमा रहा है उसको माँ बाबा जो है बोन है भाई है उसको बांग्लादेश का मुक्ति वाहिनी का तरफ से हम सैल्यूट जाना रहा है। और भारत बांग्लादेश मैत्री हमारा अटूट रहेगा। जय बांग्ला जय हिंद।